हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन। या तो आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र सरकार के बारे में, जहां पर बीजेपी का मुख्यमंत्री बन रहा है और महाराष्ट्र में बीजेपी अपनी सरकार बना रही है। तो अभी हम आपको इसके बारे में ही संपूर्ण जानकारी बताएंगे और साथ ही अभी आपको बताएंगे कि शिवसेना को किस प्रकार से तगड़ा झटका लग रहा है और किस प्रकार से महाराष्ट्र में भाजपा सरकार के रास्ते भी खुल रहे हैं। तो अभी हम आपको संपूर्ण जानकारी सरकार के बारे में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो पूरा का पूरा जान पूरा क्लास तक देखते रहिए। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमारी एक छोटी सी गुजारिश भी रहेगी कि यदि आप कोई भी जानकारी आगे भी ऐसी सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे इस चैनल को जरूर करिएगा सब्सक्राइब और पास ही मार के घंटी के निशान को भी दबाइएगा अवश्य ही। तो चलिए अभी हम बात करते हैं महाराष्ट्र सरकार के बारे में और आप सभी को यह बता रहे कि महाराष्ट्र में किस प्रकार से बीजेपी अपनी सरकार बना रहा है और किस प्रकार से शिवसेना को भी तगड़ा झटका लग रहा है। तो महाराष्ट्र में एक और जहां राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी सरकार कह रही है कि महाराष्ट्र में सरकार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही की बनेगी और ये बहुत बड़ा दावा कर रही है बीजेपी के मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस। और कह रहे हैं यहां पर कि सरकार मात्र बीजेपी की बनेगी और महाराष्ट्र में बीजेपी फिर से आएगी। ये बात यहां पर देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं और उसी के साथ ही बीजेपी बहुत ही बड़ा दावा कर रही है सरकार बनाने को लेकर। और यहां पर जनता पार्टी ये भी कह रही है कि बीजेपी का ही अब की बार मुख्यमंत्री होने वाला और वो भी 5 साल के लिए। तो महाराष्ट्र में भले ही राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है लेकिन सरकार बनाने की कवायद शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी पूरी तरह से तेज कर चुके हैं। लेकिन रेस में बीजेपी खुद को पीछे नहीं मान रही है और शनिवार को दादर स्थित जो है बीजेपी ने अपने दफ्तर में बैठक कर ली है और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल सहित कुछ वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मौजूद रहे थे। और इस बैठक की तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर बता दें आपको तो बीजेपी की तरफ से भयंकर हलचल देखने को मिल रही है और बीजेपी की तरफ से भयंकर दबाव ठोका जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब की बार भी बीजेपी की सरकार बनेगी। और बीजेपी की बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष ने यह कहा है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में अच्छी तादाद में सीटें जीती और सभी लोग भविष्य के चुनाव लड़ने के लिए सकारात्मक है और नेता और पार्टी कार्यकर्ता समझ जानने के लिए यहाँ पर लोगों के बीच जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि हम 164 सीटों पर चुनाव लड़े हैं और अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते भी है और आने वाले दिनों में हम और ज्यादा ताकतवर होकर चुनाव लड़ेंगे। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार ही बनेगी। और इसी के साथ ही आप सभी को ये बता रहे तो बीजेपी की 3 दिवसीय बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक के बाद भयंकर हलचल देखने को मिल चुकी है बीजेपी की तरफ से। और बताया जा रहा है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनने वाला है महाराष्ट्र में और बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन के बाद भाजपा ही सरकार बनाने वाली है महाराष्ट्र में। तो इस प्रकार से बीजेपी के लिए तगड़ी खुशखबरी आ रही है और यहाँ पर शिवसेना को तगड़ा झटका भी लग रहा है। और वहीं शिवसेना को बीजेपी के अलावा जो है एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से भी बड़ा झटका लगा है क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस पूरी तरह से लग रहा है कि धोखा कर रही है यहाँ पर शिवसेना के साथ। क्योंकि फिर से एनसीपी और कांग्रेस ने एक और बड़ी बैठक रद्द कर दी जिसमें वह महागठबंधन को लेकर पूरी तरह से बातचीत करने वाली थी और फिर से एक बार शिवसेना को बहुत ही बड़ी चोट दी है यहाँ पर जो एनसीपी और कांग्रेस ने। और इस प्रकार से शिवसेना और एनसीपी सहित कांग्रेस का पूरी तरह से महागठबंधन धराशायी होता हुआ नजर आ रहा है और शिवसेना का सपना महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनने का रास्ता होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी थी महाराष्ट्र सरकार की जहां पर बीजेपी अभी भी रेस में चल रही है और बताया जा रहा है कि बीजेपी का अब भी मुख्यमंत्री बनेगा और महाराष्ट्र में दूसरी बार बीजेपी सरकार बनाएगी और बीजेपी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार रहेगी बीजेपी की महाराष्ट्र में, ऐसा आ रही है बात। उस प्रकार से यह संपूर्ण जानकारी है महाराष्ट्र सरकार की जहां पर शिवसेना को तगड़ा झटका लग चुका है और एनसीपी शिवसेना और कांग्रेस में तगड़ी फूट भी देखने को मिल रही है क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी लग रहा है कि शिवसेना को बड़ा धोखा दे रही है। तो इस प्रकार से यह संपूर्ण जानकारी है महाराष्ट्र सरकार की। तो यदि आपको यह संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, साथ ही आप इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को भी जरूर जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।